गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी की। आज हम बहुत बेसिक सी चीजें जानेंगे, कुछ खास नहीं। दो टर्म्स पहले से ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं, वैसे एक कंडक्टर्स एक इंसुलेटर्स, ध्यान से समझना। कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर्स के पास क्या प्रेजेंट है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, जिनके कारण, जिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण कंडक्टर्स में से करंट इजीली फ्लो हो जाए। तो कंडक्टर्स क्या हैं? कंडक्टर्स कैन डू दी फ्लो ऑफ करंट इजी। इंसुलेटर्स, इन इंसुलेटर्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर्स में क्या नहीं प्रेजेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, ड्यू टू विच नो करंट फ्लोज थ्रू इंसुलेटर्स। अब देखते हैं करंट की डेफिनेशन। अब हम सिंपल करंट की डिस्कशन करेंगे। सपोज करो एक कंडक्टर है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में टी टाइम पीरियड में, तो मैं कहूंगा भी करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्या है? क्यू बाय टी। इट इज defined as the rate of flow of charge particles in a conductor। अब इसकी SI unit चेक कर सकते हैं हम। SI unit of current is एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला करंट का रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने डिस्कस किया था पहले। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पर हम करंट को लिख सकते हैं। Q by T तो लिखा हुआ ही है, Q is equal to NE by T, means with total charge कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू Q by T, या हम कहें NE by T। करंट का हम एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में तभी फ्लो करेंगे जब हम इसको किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ध्यान से सुनना, सेल का सिंबल होता है एक, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज द सिंबल फॉर सेल। बैटरी के लिए बहुत सारे सेल्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। ध्यान रखना ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से। दिस वन इज द सिंबल फॉर बैटरी एंड दिस वन फॉर द सेल। जब भी हम एक कंडक्टर को सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तभी चार्ज पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव आउट कर पाएंगे। नोट डाउन कर लेना इतना।